डायनासोर जो आज से करीब 6.5 करोड़ सालों पहले धरती पर राज करने वाले सबसे विशाल और खूंखार जीव हुआ करते थे, जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसमें से कुछ मांसाहारी डायनासोर तो ऐसे हुआ करते थे जो एक हमले में ही अपने शिकार के टुकड़े कर दिया करते थे, जिसमें से टीरेक्स, जाइगेनोटोसोरस, एलोसोरस और भी ना जाने कई नाम आते हैं, जिसके दहशत के सामने उस समय काल के बड़े शाकाहारी जीव भी घुटने टेक दिया करते थे। चाहे वो विशाल अर्जेंटिनोसोरस ही क्यों ना हो, शिकार उनका भी होता था। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो अगर इमेजिनेशन से निकलकर एक खूंखार गॉडज़िला की लड़ाई कई डायनासोर की जीन से मिलकर बना इंडोमाइनस रेक्स से होगा। और अगर आपको लग रहा हो कि ये मुकाबला फेयर नहीं है, तो किसी तरह इंडोमाइनस रेक्स का साथ देने के लिए इंडोरैप्टर, अल्टिमासोरस, टीरेक्स और स्पाइनोसोरस भी आ जाए और इनकी ये बैटल किसी एक टीम की मौत से अंत हो। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो एक गॉडज़िला जिसे किंग ऑफ मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी डिजाइन के लिए जापानी लोगों ने इसे टीरेक्स की तरह दिखने वाला, जिसके पीठ के डॉर्सल्स स्टेगोसोरस की तरह और आर्म्स इगोनोडॉन वाला विशालकाय मॉन्स्टर बताया गया है। पर कई धारणाओं के मुताबिक इस कैरेक्टर को रियल भी बताया गया है, जिसके अनुसार ये ऐसा खूंखार जीव है जिसके शारीरिक बनावट को देखकर कोई भी डर जाए, और इसकी स्किन इतनी मजबूत होती है जिसे बुलेट तो दूर, शक्तिशाली मिसाइल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसके पीठ पर लगे कांटे जैसे डॉर्सल प्लेट किसी धारदार हथियार से कम नहीं है। साथ ही इस डॉर्सल को अगर टाइटन के बोन से मिलाया जाए तो ये काफी शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है। इसके अलावे गॉडज़िला का सबसे खास हथियार न्यूक्लियर ब्लास्ट और इसकी शक्तिशाली पूंछ है, जिसके एक वार से एक बड़ी इमारत भी गिर सकती है। अगर इस देते की लंबाई की बात करें, तो एक गॉडज़िला का हाइट 93 से 119 फीट तक हो सकती है, यानी ये एक आयरेक्स के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा ऊंचा हो सकते हैं, और इसका वजन कुल 1,64,000 टन के बराबर हो सकता है, और इसके चलने मात्र से ही उस स्थान का कांपना तय हो जाता है। और जितनी बातें गॉडज़िला के बारे में कही गई है, अगर वो रियल लाइफ में मौजूद होता तो इसे हर दिन अपना भूख मिटाने के लिए करीब 1.5 करोड़ किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती। यानी अगर ये डायनासोर को खाना पसंद करते तो दिन भर में इन्हें लगभग 100 से भी अधिक अर्जेंटिनोसोरस को खाने की आवश्यकता पड़ती, ताकि गॉडज़िला का भूख शांत हो पाए। मगर इस मॉन्स्टर को भूख मिटाने के लिए रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, यानी ये धरती में मौजूद रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खाते हैं, और फिर इन्हीं रेडिएशन के सहारे अपने दुश्मनों को पल भर में मिट्टी में मिला देते हैं। वहीं अगर हम बात करें डायनासोर की टीम की, तो इंडोमाइनस रेक्स एक हाइब्रिड डायनो है, जिसे कई शक्तिशाली डायनो के डीएनए से तैयार किया गया था, जो आकार में कुल 40 फीट लंबे, 13 फीट ऊंचे और वजन में कुल 8 मेट्रिक टन के जितना हो सकते हैं, जिनमें कैमोफ्लाज होने की भी क्षमता मौजूद है। साथ ही ये काफी इंटेलिजेंट शिकारी भी है, जिसे पता होता है कि कब हमला करना है और कब छिपना है। वहीं इसी का साथ देने वाला अल्टिमासोरस और इंडोरैप्टर भी हाइब्रिड डायनासोर में से एक है, जो लगभग आयरेक्स के आकार के जितना हो सकते हैं। और जहां अल्टिमासोरस आयरेक्स के मुकाबले थोड़े विशाल हुआ करते हैं, वहीं इंडोरैप्टर आकार में थोड़े छोटे हो सकते हैं। पर इनकी खूबियों के आगे सभी डायनासोर की खूबियां फीकी पड़ जाएगी। लेकिन इस बैटल में इन हाइब्रिड डायनो का साथ देने अगर टीरेक्स और स्पाइनो भी आ जाए तो शायद काम बन सकती है, क्योंकि सभी डायनासोर की एक खासियत है, ये काफी बेहतरीन शिकारी होने के साथ साथ काफी अकलमंद भी होते हैं, और इन्हें लड़ाई के लिए कोई चुनौती की आवश्यकता नहीं होती। ये हरदम गुस्से में रहते हैं और अपने आसपास के मौजूद किसी भी जीवों को मार डालने पर उतारू हो जाते हैं। वहीं एक गॉडज़िला काफी शांत नेचर का मॉन्स्टर है, जो किसी के ऊपर पहले हमला नहीं करता, लेकिन जब कोई इस पर अटैक करे तब ये उन्हें अपनी औकात दिखाते हैं। गॉडज़िला समुद्री दानव होने के कारण समुद्र में तो सर्वशक्तिमान है ही, साथ ही साथ जमीन पर भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। इस दैत्य की जमीन में भी रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वहीं दूसरे टीम में मौजूद डायनासोर की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तो इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि आकार, वजन और स्पीड के मामले में
गॉडजिला की बराबरी किसी भी डायनो के लिए नामुमकिन है। यहाँ तक कि अगर दूसरे टीम के सभी डायनासोर आपस में मिल जाएं, तो भी ये आकार में गॉडजिला का आधा के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर डायनासोर की इस टीम को इंडोमाइनस रेक्स लीड करे, तो इस डायनो की बुद्धि के सामने गॉडजिला भी काफी मुसीबतों का सामना करता, क्योंकि इंडोमाइनस रेक्स गॉडजिला को अपनी गुड आईशाइट और सूंघने की क्षमता से आसानी से ढूंढ पाते, लेकिन गॉडजिला इनके छोटे आकार होने के कारण इन्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाते। मजबूरन गॉडजिला अपनी पूंछों को बिना देखे कहीं भी मारने लगता, और अगर डायनासोर की टीम पर इस पूंछ का वार पड़ जाता तो वो डायनासोर तुरंत वहीं धराशायी हो जाता। लेकिन शायद एक हमले में सभी डायनो को मार पाना गॉडजिला के लिए काफी मुश्किल होता, और अगर गॉडजिला थक कर न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की सोचता, और उस वक्त अगर सभी डायनासोर एक स्थान पर होते, तो गॉडजिला ये मुकाबला काफी आसानी से जीत जाता। लेकिन डायनासोर की टीम में अब तक के मौजूद सभी डायनासोर्स आ जाते, तो भले ही गॉडजिला काफी सारे डायनासोर को मारने में कामयाब हो जाता, पर इस बात की भी संभावना है कि अंत में गॉडजिला यह मुकाबला हार जाता। लेकिन यह टीम सिर्फ 5 डायनो की होती तो गॉडजिला ही इस लड़ाई में असली विजेता साबित होता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।